सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सभी को सबसे पहले मैं बता दूं, इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूं मेरे फ़ोन में है क्या क्या, मैं कौन सा ऐप चलाता हूं, उसका यूज क्या होता है, तो ये सब मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं ब्लॉग। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ उज्ज्वल भाई के पास, और ये रहा इनका गेमिंग वाला कमरा जहाँ पर ये हमेशा गेम खेलते हैं। और फिलहाल आप लोग को जानना था कि मेरे फ़ोन में क्या क्या है, तो चलो आपको मैं उज्ज्वल भाई के फ़ोन से रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ क्या क्या है मेरे फ़ोन में। तो भाई लोग देखो, मेरे फ़ोन में सबसे पहले ऊपर देख सकते हो AI डिस्क्रिप्शन है, जो कि मैं YouTube के लिए यूज करता हूँ। जब मेरे को समझ नहीं आता क्या लिखूँ क्या नहीं, तो थोड़ा बहुत उसके बाद तो गूगल का असिस्टेंट है जो कि सबके फ़ोन में ऑटो रहता है। ऑटो क्लिकर है भाई, कभी मेरे को जब परेशान करना रहता है किसी को तब यूज कर देता हूँ। कि नहीं उज्ज्वल भाई, सही है। तुम्हारे साथ हुआ है कि नहीं? ना। तो ये हुआ है कुछ लोगों के साथ। फिर एक बैकग्राउंड इरेजर है जो कि कभी कभार काम आता है, जैसे जब मैं थंबनेल एडिट करता हूँ। उसके बाद कैलकुलेटर, कैलेंडर, ये सब में। और ये देख सकते हो कैनवा है मेरे पास, जिससे मैं हमेशा यूट्यूब की थंबनेल एडिट करता हूँ। इसके बाद कैपकट है, जो कि मैं पर्सनली अपनी वीडियो शॉर्ट वीडियो एडिट करता हूँ, जो कि मैं जो इंस्टा पे अपलोड करता हूँ ऐसे या स्टेटस लगन। उसके बाद मेरे फ़ोन में देख सकते हो एक कार गेम है, जो कि मैं जब उज्ज्वल भाई है जैसे कोई बंदे मेरे पास फ्री फायर में ऑफलाइन रहते हैं, तो मैं समय बिताने के लिए या तो नेट ख़त्म हो जाए भाई तब इसको खेलता हूँ। और फिलहाल उसके बाद देख सकते हो फ्री फायर है, जो कि भाई इसके बिना तो दिन रात बीतता ही नहीं, जैसे लगता है कि अगर ये इसको डिलीट कर दिया तो नेट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दिन नहीं बीतेगा ऐसा है। उसके बाद इंस्टाग्राम है जो कि मैं चलाता हूँ, और इसका यूजर नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद भाई माई जियो, फिर एक सुपर मार्केट वाला मैंने गेम रखा है जो कि ऑफलाइन ये भी गेम मैं खेल लेता हूँ। उसके बाद ये रिमनी है, फ़ोटो एडिट में काम आती है, आप लोग भी यूज किया करो। और देख सकते हो बड़ू भाई जो कि लेटे हैं, तो इनको रिमनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गोरे हैं। इनका गिनीज बुक में तीसरे स्थान पे नाम आने वाला है, पहले पे थोड़ा दिक्कत है और लोग रुक जाएंगे। और उसके बाद मेरे पास भाई तो सुपर VPN है, जो कि कैपकट को चलाने में मदद करता है, और थंबनेल मेकर है भाई। इसका यूज ज़्यादा कुछ है नहीं, इससे फ़िलहाल एडिट नहीं करता हूँ। और उसके बाद वाइडली क्यू है, जो कि मदद करता है, सजेशन देता है यूट्यूब के बारे में। और वाइट यू टूल्स हैं, ये भी मदद करते हैं, मतलब टाइटल, जैसे आपको टाइटल नहीं समझ आ रहा है तो इस पर लिख दो, तो ये AI की मदद से अच्छा टाइटल आपको दे सकता है। YT टूल भी वही करता है। तो फ़िलहाल भाई मेरे फ़ोन में जितनी ऐप हैं ये बहुत ही ज़्यादा है। लाइट रूम देख सकते हो, जिसको भूल गया था, जिससे मैं फ़ोटो एडिट करता हूँ। तो भाई इतनी ऐप मैं चलाता हूँ। आपका फ़ोन है स्नैपड्रैगन, इसका प्रोसेसर है भाई, बिना हैंग किए इतना गेम मैं खेलता हूँ, कम से कम कुछ नहीं तो 2.5 GB का फ्री फायर हो गया, और ये दोनों गेम मिला के भाई जान लो 1 GB के ये भी हो गए, इतना तो गेम ही है मेरे पास। और थे डिलीट कर दिया, फ़िलहाल गेम बहुत खेलता हूँ मैं। और उज्ज्वल भाई के फ़ोन में देखोगे तो फ़ोन में देखो भाई, मतलब एक गेम के अलावा छोड़े इनके और इंस्टाग्राम के अलावा कोई अदर ऐप नहीं मिलेगी, इनके फ़ोन की सब ऐप मिलेगी। क्यों भाई ऐसा क्यों? औकात नहीं है इस फ़ोन का, औकात नहीं है। देख सकते हो फ़ोन है ये, अगर किसी को चाहिए दान कर देंगे फ्री में, बहुत बड़े दिल वाले हैं। इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इनको ये फ़ोन बहुत अच्छा लगता है, ये चलता बहुत अच्छा है गेम के अंदर, ऐसा चलता है कि अगर बंदा आगे मर रहा है तो ये कब साथ छोड़ दे, कब वहीं बंदा रुक जाए भाई, कोई भरोसा नहीं है, ये ऐसा चलता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसा लगता है जब गेम कट जाता है, बहुत ज़्यादा खराब। हाँ, बहुत ज़्यादा का मन करता है, बस चेंज करना है इसे। तो फिलहाल भाई मेरे फ़ोन में जो फ्री फायर देखा वो बहुत ज़्यादा, मतलब खेलते हैं हम लोग साथ में ही खेलते हैं, और मेरे फ़ोन में बहुत अच्छा वर्क करता है। फ़िलहाल सारी ऐपें अच्छी चलती हैं क्योंकि फ़ोन भी अच्छा है, मोटरोला G32 है। आप भी मोटरोला का फ़ोन लो, मैं यही सजेशन दूंगा, अच्छा वर्क करता है। और मैंने दिखाया आपको फ़िलहाल,
तो भाई लोग मैं इतनी ऐप का यूज़ करता हूँ, आपने देख सकते हो जितना मैंने अपने फ़ोन में दिखाया, और इतना तुम यूज करते हो कहें कैपेसिटी नहीं है फोन में भाई, कैपेसिटी नहीं है। तो भाई जैसा कि देखा, मैं अभी छोटू भाई के घर पे गया था, तो अभी मैं लौट के आ चुका हूँ और मैंने दिखाया अपना फ़ोन। लेकिन फ़िलहाल इसमें भाई इसमें फ़ोन में ये दिक्कत होती है, मतलब कि वो जो मेरा पुराना वाला फ़ोन था छोटा था भले, लेकिन खेलने में मज़ा आता था भाई। और इसमें क्या होता है, हाथ जब मतलब ये अंगूठे दोनों पकड़ने के बाद भाई ये फ़ोन थोड़ा बड़ा है, और मतलब खेलने में तो ठीक ही है, स्मूथ चलता है, लेकिन उतना जो छोटे फ़ोन में खेलने में मज़ा आता है इसमें नहीं आता। फ़िलहाल मैंने आपको दिखा दिया मेरे फ़ोन में क्या क्या है, आप लोगों ने एक बार पूछा था तो मैंने सोचा इस पर ब्लॉग बनाया जाए, तो मैंने दिखा दिया है मेरे फ़ोन में क्या क्या है। तो प्लीज़ अगर ब्लॉग अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और फ़िलहाल सजेशन दे दिया करो भाई कि अगली ब्लॉग मैं कैसे बनाऊँ। प्लीज़ आपके सजेशन से मेरा बहुत ही हेल्प हो जाएगा ब्लॉग में। तो मिलते हैं फ़िलहाल नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही।